त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जनपद के 20 विकास खंडों पर किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि रविवार की शाम तक 375 प्रधान पदों के प्रत्याशियों के मत पत्रों की गणना तथा 215 बीडीसी सदस्यों की मतों की गणना पूरी हो चुकी है और उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य की मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है। रविवार की रात्रि 8 बजे के बाद दूसरे चरण में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की मतों की गिनती की जाएगी। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सोमवार तक सभी पदों के परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना को शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराया जा रहा है और विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, गोरखपुर में प्रथम चरण में जो मतदान 15 अप्रैल को हुआ था उसकी मतगणना आज 2 मई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ की है। अभी तक लगभग 375 प्रधान प्रत्याशी की रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा लगभग 215 बीडीसी मेंबर्स के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर जिला पंचायत का किसी का भी अंतिम रिजल्ट नहीं आया जिला पंचायत वार्ड के मेंबर्स का, मतगणना अभी लगातार जारी रहेगी। 8 बजे के बाद दूसरी पाली में मतगणना होगी। कल सुबह तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है और सभी जीतने वाले प्रत्याशी को ये ताकीद कर दी गई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोई भी जीतने वाला प्रत्याशी भी जुलूस नहीं निकाल सकता। साथ ही हर पाली के बाद मतपेटिका और मतगणना स्थल को पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, सोलनाइजेशन छिड़काव कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले। और मतदान स्थल पर प्रवेश मतगणना स्थल पर प्रवेश करने के पहले पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है और इसके साथ ही साथ निगेटिव कोविड की रिपोर्ट भी देखी जा रही है।